with a thunderous round of applause, please bring forth Rebecca and Ariella, all the way from the land of Missouri. मेरे से बिना मिले टैंक में चले गए सीधे, तो इतनी इंग्लिश याद क्यों करवाई है फिर? Hi Sharks, I'm Ariella. And I'm Rebecca. Sharks, have you ever experienced bloating, acidity, gas? Or the infamous Delhi belly? आप हिंदी में बात करेंगे तो? जी जरूर. लोग गट हेल्थ यानी पेट की हेल्थ पर अक्सर ध्यान नहीं देते. Wow. Well done. But क्या आपको पता है कि सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है? ये सब सिम्टम्स होते हैं बैक्टीरियल इम्बैलेंस के, पर क्या आपको पता है कि ये आप खुद ठीक कर सकते हैं? कैसे? कम्बुचा से. हम हैं वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंड फाइनेस्ट कम्बुचा ब्रांड्स एटमॉस्फेयर. हम ग्रीन टी को बैक्टीरिया और यीस्ट के साथ फर्मेंट करके कम्बुचा बनाते हैं. हमारे पास कई सारे एक्साइटिंग फ्लेवर्स हैं, जैसे कि एक्सोटिक लाइम, कोलाला, एल्डर फ्लावर और ब्लूबेरी विथ लैवेंडर. ये सब फ्लेवर्स बनने में हम 100% रियल और साबुत इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं. और हमारा सप्लाई स्टारबक्स और ब्लू टोकाई के थ्रू पैन इंडिया होता है. हमारा काफी बिजनेस भी अपने वेबसाइट पे होता है. एंड द बेस्ट पार्ट, हमारे फैक्ट्री का वर्कफोर्स 100% वुमेन है. वाह. हमारा आस्क है 75 लाख फॉर 3% इक्विटी. वाह. इनक्रेडिबल. या एब्सोल्युटली. आप सच में हिंदी बोल रही थी? हाँ जी. मैंने ऐसे ही जोक के लिए कह दिया हिंदी में बोलिए, क्योंकि आपको देख के ऐसा नहीं लगा कि आप हिंदी बोल पाएंगे. नहीं नहीं, हमें बिल्कुल समझ सकते हैं. और मुझे पता क्या लगा जब मैं घुसा? मुझे लगा मैं शार्क टैंक यूएस के सेट में कैसे आ गया. ये मतलब कहाँ अमेरिकन एक्सेंट मैंने डिटेक्ट किया थोड़ा? हाँ जी, आप सही है. हमारे फैमिली 1992 में अमेरिका से इंडिया आए हैं. हमारा पापा एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर है और वो आईआईटी कानपुर में काम कर रहे थे. तब से हमारे फैमिली को इंडिया और इंडिया के लोग बहुत अच्छा लगा, तो हम इंडिया में सेटल हुआ है. तो आपके पेरेंट्स दोनों अमेरिकन हैं? दोनों अमेरिकन हैं. और आप कितने साल के थे जब आए यहाँ पर? मैं तो 1.5 साल की थी और एरियाला तो पूरा कम्बुचा के जैसे मेड इन इंडिया. Amazing thing, आप अपना sense of humor भी हिंदी में you can establish is just great. आपको mastery है language की. So cute. आपने पढ़ाई कानपुर में की है? हाँ, नहीं, हमने मेरे पापा 2 साल हम कानपुर में रहते थे, फिर 4 साल वो IIT खड़गपुर में काम कर रहे थे और उसके बाद हमने मसूरी शिफ्ट किया था. हमारा पापा फुल टाइम रिसर्च में लगा था वहाँ पे. मेरे पेरेंट्स को जैसे पहाड़ी लाइफस्टाइल अच्छा लगा. और उसके बाद आगे एजुकेशन? इसके बाद हमने BA किया था यूनाइटेड स्टेट्स में. और उसके बाद? उसके बाद बस जिंदगी की स्कूल. फिर इंडिया कैसे? इंडिया कैसे, क्योंकि मेरे दिल यहाँ पे है. ओहो. वाह.
इस बिजनेस में कैसा है? इंडिया में आपने जॉब करने की कोशिश नहीं की? मैं आपको कहानी बता देती हूँ। हाँ जी। हम दो बहन हैं और हमारे दोनों साइड पे एक दो दो भाई भी है। हम और हमारे भाई में कोई फर्क नहीं था। जो स्कूल वो जाते थे, हम भी जाते थे। यदि वो स्पोर्ट्स खेल रहे थे, हम भी खेलते थे। और हमने नोटिस किया था दूसरा फैमिलीज में वैसे नहीं था। और फिर भी हमें पता चला कि जैसे इंडिया में औरतों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफ़ी मुश्किल है। जब हम दोनों इंडिया को वापस आए थे, हमने इस सोसाइटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन विद अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन। जैसे एक बिजनेस एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है जो जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट बना के वैल्यू भी बना सकते हैं। 100% फीमेल वर्कफोर्स इन आवर फैक्ट्री। फैक्ट्री कहाँ है ये? दिल्ली में। कितनी औरतें काम करती हैं वहाँ पे? अभी देयर इज अबाउट 14 वुमेन इन द कंपनी। फिर भी अच्छा काम है, वेल डन। बट आपका मेन रीजन यहाँ रहने का ये है कि आपको, जैसे आपने बोला हमें दिल से इंडिया पसंद है, हाँ। या फिर वो जो सोशल कॉज आपने बताया वुमेन एम्पावरमेंट का, वो पूरा करना है या सही में एक बिजनेस खड़ा करना? ये एक बिजनेस है और हम यहाँ पे रह रहे क्योंकि हमें यहाँ पे रहना है। जब मैं वापस आई थी, मैंने 4 साल के लिए, हम दोनों कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे थे। I was working with Saab India. मैंने एक लाइन ऑफ कैफे स्टार्ट किया था जिसका नाम है Saab Cafe. I was the project manager. मैं ऑर्गेनिक इंडिया के साथ एक वेलनेस सेंटर शुरू करने के लिए वही काम कर रही थी। तो उस समय से मैं काफ़ी नोटिस कर रही थी कि जो लोग मेरे पास आ रहे थे उसके पास बहुत सारे गट रिलेटेड इश्यूज रहते थे। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देख लेंगे, 56% ऑफ इंडियन फैमिली स्ट्रगल फ्रॉम गट इश्यूज। तो मैं उसको एक प्रोडक्ट देना चाह रही थी जिसमें प्रोबायोटिक्स, लाइव एंड रॉ प्रोबायोटिक्स था, बट मार्केट में कुछ था नहीं। तो पहले मैंने अपना क्लाइंट्स के लिए ये प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और इसके बाद एटमॉस्फेयर पूरा ऑर्गेनिकली स्टार्ट हुआ था। प्रोडक्ट को टेस्ट करवाना चाहिए। करा दीजिए प्लीज। Which one should I try? ये कोलाला वाला टेस्ट करवाना चाहिए। कोलाला। And for you, spicy ginger. I am trying the kolala. Oh, the ginger is just incredible. Spicy ginger, ये almost as good as any other drink है. मतलब मुझे पता भी नहीं चल रहा है मैं kombucha पी रहा हूँ. Kolala is also amazing. नहीं, but मैं एक ना generic question पूछूँ अगर tasting खत्म हो गई हो. Kombucha जो cheese, ये as a common man मैंने जिंदगी में ज्यादा सुनी नहीं। मतलब आई डोंट थिंक 99% ऑफ इंडिया को ये भी पता होगा। हाँ, ये थोड़ा विदेशी कॉन्सेप्ट तो है। मार्केट साइज क्या है? इंडिया में एग्जैक्टली कंबुचा मार्केट साइज की स्टडी नहीं है। अंदाजा, एक अंदाजा किया हो? द हेल्थ बेवरेजेस मार्केट इन इंडिया इज अ 15,000 करोड़ मार्केट। और हमें ये कंबुचा को मार्केट करना है नॉट एग्जैक्टली एज अ कंबुचा। एग्री, आई टोटली एग्री विद यू। हमें ऐसे मार्केट करना चाहिए एज अ हेल्थी अक्यूट फन हेल्थी ड्रिंक। पर शुगर भी है ना, शुगर ज्यादा नहीं है। ईच बॉटल ऑफ कंबुचा हैज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ शुगर? 10 ग्राम्स ऑफ शुगर। तो अनुपम, ये ज्यादा होता है कब? 10 ग्राम तो काफी होगा शुगर। जो शुगर डालते हैं वो एक्चुअली बैक्टीरियल कल्चर के लिए है। तो जैसे दही में पूरा लैक्टोज खा जाता है, कम्बुचा में भी मोस्ट इफ नॉट ऑल ऑफ द शुगर इज ईटन बाय द बैक्टीरियल कल्चर। तो वो आपका पेट के लिए नहीं है, वो बैक्टीरियल कल्चर के लिए है। प्राइस किया है 220। यस। क्या इंडियन ऑडियंस 220 रुपए का कोई चीज पीने को तैयार है जिनका उन्होंने नाम भी नहीं सुना हुआ शार्क टैंक पे आने से पहले? पूरा मास मार्केट के लिए ये महंगा हो जाएगा। अभी जो हो रहा है हमारे बिजनेस में कि ये एक कोल्ड चेन प्रोडक्ट भी है तो वो भी महंगा है। जब हमारे बिजनेस बड़ा हो जाए और इकोनॉमी ऑफ स्केल भी आ जाएंगे उस बिजनेस में, तो वी आर ओपन टू रीथिंकिंग द प्राइस पॉइंट। कोल्ड चेन प्रोडक्ट जो होते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर आप कंट्रोल कर पाते हो, या बट जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है
उनकी गारंटी नहीं होती है, लाइट चली गई, जनरेटर ऑन नहीं करते हैं लोग, तो घंटों घंटों तक आपका ड्रिंक फ्रिज में नहीं रखा तो उसका इफेक्ट क्या होगा ड्रिंक पे? ड्रिंक तो थोड़ा ज्यादा फर्मेंटेड हो जाएगा और ज्यादा फिजी भी हो जाएगा, तो खट्टा हो जाएगा, राइट? थोड़ा सा, हाँ जी। ये आपको लगता नहीं है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है? ये है सबसे मुश्किल प्रॉब्लम है इन द कम्बुचा बिजनेस, लेकिन कम्बुचा जो है एक काफी खास ड्रिंक है और अभी हम हैंडल कर रहे हैं, हम जुगाड़ से काफी मेहनत से हम इन चीजों हैंडल कर रहे हैं। नेबर रिबेका, प्रॉब्लम यही है कि आपके हैंडल होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने एक बार पास ऑन कर दिया ना तो वो लोग हैंडल नहीं करेंगे और आपका ड्रिंक खट्टा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपकी सेल्स क्या है? हमारा इस साल अभी तक 1 CR किया है। ये मतलब MRP प्राइस पे है? नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस 40% ऑनलाइन है, 60% B2B है, जिसमें 20% रिटेल स्टोर है और 40% कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स है। तो वो कितना मार्जिन ले जाते हैं? एवरेज मार्जिन रिटेल में 35 है और कैफेज में 40 है। तो एंड में कितना पैसा बचाया, कमाया? 29 लाख। कोल्ड चेन आपको पता है ना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक्सपेंसिव होता है। हाँ। तो फिर 30 लाख कैसे बचते हैं? हम ट्रेन पे बेच रहे हैं अपने कम्बुचा को। जैसे हमने बोला, हम जुगाड़ से करें, हम बेसिकली जिस जगह पे ट्रेन 12 to 24 hours के अंदर पहुंच जाएगा, हम एक आइस पैक्स के साथ वो कूल टेम्परेचर मेंटेन करके ऐसे ही बेच रहे। फिर तो जहाँ आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइट है, हाँ, आपका मार्केट उधर ही रिस्ट्रिक्टेड होगा जहाँ ट्रेन 12 से 24 घंटे में पहुंच सकती है, राइट? तो वो एक कंस्ट्रेंट हो गया। हाँ, उसमें है बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर भी बेचते हैं, कोची भी हो सकता है, गोवा भी हो सकता है, जयपुर भी है, देहरादून भी है। तो इसको कैसे बड़ा बिजनेस बनाएंगे आप? एक्चुअली हमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए जिससे हम आसान से अपने कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। तो 75 लाख से कितनी बॉटल्स पर मंथ बन पाएंगी? 75 लाख से हमें एक फैक्ट्री बना सकते हैं जिसमें से 3 लाख बॉटल्स पर मंथ बना सकते हैं। आपकी पैकेजिंग बहुत सॉलिड है, अगर आप ये पैकेजिंग हटा दो तो डाइजीन की बॉटल भी लगती है। एक्चुअली हमें अपना खुद बॉटल बनाना चाहिए था, लेकिन बजट नहीं था, तो हमने ऐसे बॉटल यूज करना था जो मार्केट में ऑलरेडी है। जुगाड़। कम्बुचा मैंने पिया है ग्लोबली, मुझे इतना पसंद नहीं आया। उसमें आप डाल दो कोल्ड चेन के कॉम्प्लिकेशंस, इट्स एक्सपेंसिव और बहुत हेडेक वाला बिजनेस है। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ये जो 220 रुपए वाले लोग हैं ना, ये आज कम्बुचा तो कल कुछ और पिएंगे, राइट? आज पूजा तो कल कोई दूजा टाइप से। ये किसी के सगे नहीं होते। इस 220 रुपए के प्रोडक्ट को बेचने के लिए मुझे लगता है बहुत फाइट है। मैं उस फाइट में आपके साथ नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। ये मार्केट से इंडिया में अभी काफी फ्लरिश कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट सब बढ़िया है, इनफैक्ट आई विल बी योर कस्टमर, पर आज मैं इससे बाहर हूं। पर ऑन द अदर हैंड, जो आपका स्किल सेट है, इफ यू यूटिलाइज इन सम अदर कैटेगरीज, यू कैन बिल्ड अ वेरी वेरी लार्ज बिजनेस। देखिए, आपकी जो बिजनेस सेंस है, मुझे लगता है यहां तक भी लेके आना, इसको जुगाड़ करना, वो काफी अच्छी बात है। यहाँ से आगे कहाँ जाना, ये बड़ा डेंजरस गेम है, क्योंकि बेवरेज बिजनेस में मैं हमेशा कहता हूँ पूरा शमशान घाट पड़ा हुआ। लेकिन बात जो अच्छी है आपकी, आप प्रॉफिटेबली धंधा चला रहे हैं, तो यहाँ से आपको निराश करके नहीं भेजना चाहिए। तो आपको 75 लाख का ऑफर करते हैं फॉर 20%। मुझे लगता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ही फ्यूचर होंगी, बिकॉज वो जो रोल मॉडल्स बनती हैं तो और वुमेन ज्वाइन करती हैं, फिर वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनती हैं और वो और वुमेन को, तो ये जो चेंज आएगा, दिस विल बी लेड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से। तो मेरी ऑफर आपको है 30 लाख रुपए इन इक्विटी फॉर 10% ऑफ द कंपनी,
एंड उसके ऊपर 45 लाख इन डेट जो 12% पे मैं आपको ऑफर करती हूँ. Yeah, I will take a moment. Yes, sure. Nice offer, Anupam. Like from a valuation perspective, I think we could give them a counter offer. So if we started from 3, we went to 20 with Anupam. आपने एक बात बोली कि आगे जाके women entrepreneurs ही रहेंगी तो मेरे को job दे देना please. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. So Vinita, we want to thank you very much for your offer. लेकिन हमें अभी लग रहा है कि 30 lakhs will not get us जो हमें जरूरत है to build a larger manufacturing unit और वो हमारे अभी goal है. Anupam, हम आपको एक counter offer देना चाहते हैं, 75 lakhs for 8% equity. Ow! मैं तो आपके लिए चेक तैयार कर रहा था. मैंने सोचा यार सच में डील हो जाएगी, बट 20% to 8% इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल. मैं 5-10% नीचे ऊपर कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता. नहीं, हम 10% पे ही जा सकते हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं जाना चाहते हैं. चलिए, हमारा वैल्यूएशन आज मैच नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं आउट हूँ. But I wish you the best. And one last thing, you are more Indian than Indians. Thank you. Thank you.